ठीक है, सिक्स फेज में जिनका एग्जाम होगा उनको क्या मतलब मैथ्स में किस पे फोकस करना चाहिए ज्यादातर? मैथ्स और मैथ तो क्या है, बेसिक ही बेसिक ही, बस दो ही चार क्वेश्चन एडवांस के, एडवांस मैथ में और मैथ्स में थोड़ा लाइट पढ़ लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा गहराई से नहीं पूछा गया, लाइट ही पूछा गया, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए बंदे का। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ उन स्टूडेंट्स को भी मैथ्स में किस पोर्शन में फोकस करना चाहिए थोड़ा ये और बता दो बस। टाइम एंड वर्क पक्का आएगा, सी आई है सही का क्वेश्चन, और पाई चार्ट का थोड़े मतलब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल नहीं, पाई चार्ट तो जरूर आएगा, एक क्वेश्चन पांच नंबर दे रहा है, एक ही क्वेश्चन पाई चार्ट वाला, अर्थमेटिक और पाई चार्ट को अगर ढंग से कर लें एडवांस के, तो मैथ्स में भी क्या करना चाहिए, मैथ्स में क्या फोकस करें किसी चीज़ पे? मैथ्स में सिंपल मैथ आ रहा है, एससीएम एंड एलसीएम के थे अर्थमेटिक, और एक क्वेश्चन ये था कि 100 से लेकर 300 तक के बीच में वह 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, कितनी होंगी 7 से, जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ओवरऑल ये कि अर्थमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले तो हो जाएगा पेपर है। सिक्स में जिनका होने वाला एग्जाम नेक्स्ट मंथ, उनको मैथ्स में मतलब ज्यादा टाइम किस पर फोकस करना चाहिए अभी अपना? अर्थमेटिक कर ले और फॉर्मूला वगैरह कर ले, मानना तो है क्योंकि मीन मोड मतलब मीन मीडियम मोड पे तो मतलब थोड़ा सा पटका जाएगा अलग से, जो कितने हो जाएंगे इस वाले शिफ्ट में, कितने करने चाहिए बंदों को, कुछ 80 तक कर देगा बंदा तो सेफ साइड में आ जाएगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ करता है, गुड अटेम्प्ट तक कितने हो जाएंगे बंदे को, कितने करने चाहिए, लगभग 70 तो हो जाने चाहिए, 70 करने चाहिए कम से कम, अगर ढंग से पढ़ गया तो ठीक है, अगर एक्यूरेसी करेगा तो, और तुक्के लगा के तो 100 भी कर दोगे कोई फायदा नहीं हो उस चीज़ का, फिर तो 100 के 100 भी अटेम्प्ट हो जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं, तो फायदा क्या, फिर वही गड्डी नीचे जाएगी ना हमारी, बाकी पेपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रीजनिंग में आप सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, और एक मैथ्स में आप पाई चार्ट जरूर अच्छा करिए, और अगर हार्ड आते हैं लेंथी जैसे आ जाए तो उसको छोड़ना ज्यादा बेटर है, उसमें टाइम बर्बाद करने से अच्छा छोड़ दीजिए, जो आपको आते हैं ना पहले सबसे पहले वो कीजिए, एक्चुअल में मेरे साथ यही हुआ, मैं पहले ना क्वेश्चन को रीड करता रहा कि पहले देख लेता हूँ, मैंने उनको सोल्व करने में लगा, नहीं सोल्व किया छोड़ दिया, अगर जो पहले उनको मैं जो आते थे उनको सोल्व करता और उसके बाद उनके वो करता तो ज्यादा बेटर रहता। पेपर सबसे बढ़िया बात यह है कि एग्जाम में सबसे समझ हमें ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा छोड़ना, अच्छा स्किप करने ही कला आनी चाहिए बंदे को, क्वेश्चन को मेरा मानना है क्वेश्चन सभी पढ़ने चाहिए, अगर आपसे आता है उसको एकदम बिल्कुल टिक लगा दीजिए बिना टाइम वेस्ट करे, अगर लग रहा है लेंथी तो छोड़ दो, क्वेश्चन आपको लग रहा है लेंथी है तो उसको छोड़ दो, पर